जय माता दी, जय माँ कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि किसी मनुष्य को सपने में छोटे छोटे बच्चे नजर आते हों, अक्सर यह सपना उन स्त्रियों को आता है जिनके बच्चे पैदा नहीं होते। ये सपने उस स्त्री को या पुरुष को इसलिए आते हैं जिनने बच्चे नहीं खिलाए हैं, या ये कह सकते हैं ऐसी स्त्री जिसके गर्भ में बच्चा नहीं आता है। तो इसका यदि किसी स्त्री को ये छोटे छोटे बच्चे जो 1 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के बच्चे को वो खिलाते हुए नजर आते हैं, दिखते हैं या खेलते हुए नजर आते हैं, दूध मुंह बच्चे नजर आते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि उस स्त्री के ऊपर कलुआ वीर लगा हुआ है, इसलिए उसे छोटे छोटे बच्चे के रूप में वो कलुआ वीर अपने आप को बताता है कि मैं तेरे पास आ चुका हूं। तो जिस स्त्री को छोटे छोटे बच्चे सपने में दिखते हो, उस स्त्री का जब तक ये बच्चे दिखना बंद नहीं होंगे तब तक उसके यहां गर्भ में बच्चा आ ही नहीं सकता। यह एक तंत्र विद्या होती है जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भी ऑटोमेटिक लग जाती है। यदि किसी स्त्री के भाग्य में बच्चे पैदा होना ही नहीं लिखा हो तो उसे छोटे छोटे बच्चे सपने में बहुत दिखते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में पाप कर्म किया था, बच्चों की हत्या की होगी, इस वजह से गर्भ में बच्चे को मारा होगा, इस वजह से उस बच्चे की आत्मा जिसको कलुआ वीर कहा जाता है वह उसको सपने में दिखाई देती है। और ऐसी स्त्री की सजा ही यही होती कि उसके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो तंत्र विद्या के माध्यम से उस कलुआ वीर को उस स्त्री के शरीर से अलग किया जाता है, यानी पिछले जन्म में जो पाप कर्म किया उस पाप कर्म का प्रायश्चित कर्म किया जाता है, और प्रायश्चित कर्म करके जो बच्चा पहले गर्भ में मारा, पिछले जन्म में गर्भ में मारा, उस बच्चे की आत्मा को मुक्त किया जाता है, यानी फ्री कर दिया जाता है, अगले जन्म के लिए प्रस्थान कर दिया जाता है। उसकी एक विशेष पूजा होती है। यदि कोई भी परिवार जिसके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो और छोटे छोटे बच्चे सपने में आते रहते हो तो उनको ठीक किया जा सकता है और उनके यहां बच्चे पैदा हो सकते हैं, बशर्ते कि विश्वास रखें, धर्म के ऊपर विश्वास रखें और देवराधा ट्रस्ट के ऊपर विश्वास रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 7649862712 पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।